हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। आज की वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज बिल्कुल सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। एमपीपीएससी के प्रिपरेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियोज में प्रोवाइड कराएंगे। हमारा एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप जाके एमपीपीएससी प्रिपरेशन में क्लिक करेंगे, वैसे होम पेज जो है वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा सबसे फ्रंट टॉप में। तो वहाँ पे आप एमपीपीएससी के प्रिपरेशन में वीडियोज देख सकते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। बेसिक से तैयारी करवाएंगे आपको, कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, पहले हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की। ठीक है, एग्जामिनेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। यदि आपने प्रिपरेशन अभी की होगी तो आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तब भी मैं बता देता हूँ। बेसिकली इसमें तीन स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स। पहला स्टेज प्रीलिम्स होता है, जिसको हम प्री भी बोलते हैं। दूसरा स्टेज होता है मेंस, और तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। ठीक है, ये तीन स्टेज से मिलकर बनता है एमपीपीएससी। ठीक है, अब देखिए, जब ये तीन स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स पहले आप क्वालिफाई करते हैं, ये क्वालिफाइंग लेवल एग्जाम होता है। फिर उसके बाद आप मेंस में अपियर करने का मौका मिलता है आपको। उसके बाद मेंस में जो मार्क्स मिलते हैं उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यूज में कॉल किया जाता है। और याद रखिएगा, जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसे मेंस और इंटरव्यू दोनों के ही मार्क्स काउंट किए आते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं किए आते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता ही होगा। एनीवे, अगला पॉइंट ये है कि जब हमारी तैयारी प्रीलिम्स फोकस्ड होनी चाहिए या मेंस फोकस्ड होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, तैयारी हमेशा मेंस को फोकस करके ही होना चाहिए। हमेशा मेंस के सिलेबस को फोकस करके ही अपनी तैयारी करिए। यदि मेंस के सिलेबस को फोकस करके आप तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आपको मेंस ही क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से बस कुछ नहीं होगा। तो आई एम सेइंग दैट कि जो तैयारी है अपनी, फोकस उसको मेंस पे फोकस रखिए, और जो सिलेबस भी है वो मेंस का ही कवर करने की कोशिश करिए। प्रीलिम्स के सिलेबस में इतना कुछ दिया नहीं है, लेकिन मेंस का सिलेबस टू द पॉइंट है। हर एक चीज़ दी हुई है, वहाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ वहाँ बताई जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो प्रीलिम्स में, जैसा कि आप पता है, प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, 200 नंबर का जीएस होता है, 200 नंबर का एप्टीट्यूड होता है। सिविल सर्विसेज के लिए 200 नंबर जीएस का जो मार्क्स होता है यही काउंट होता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। और ये एप्टीट्यूड का पेपर जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। लेकिन जब फॉरेन सर्विसेज में अपियर कर रहे हैं तो वहाँ प्रीलिम्स में दोनों ही पेपर काउंट किए आते हैं, मतलब टोटल 400 नंबर में मेरिट लगती है। लेकिन सिविल सर्विसेज की बात करें, जिसमें आप डिप्टी कलेक्टर वगैरह बनते हैं, वहाँ पे सिर्फ जीएस के मार्क्स काउंट किए आते हैं, मतलब सिर्फ 200 नंबर में आपको मार्क्स लाने होते हैं। तो जीएस में कितने मार्क्स आप लाएँ उसके हिसाब से आपको मेंस में अपीयर करने का मौका मिलेगा। तो ये रहा प्रीलिम्स के बारे में। मेंस के बारे में यदि बात करें तो मेंस में बेसिकली इतने पेपर होते हैं, कुल 6 पेपर होते हैं, ये आप देख सकते हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन 1 होता है, इसको बोलते हैं जीएस 1। ठीक है, सेकेंड पेपर होता है जीएस 2 का। ठीक है, ये पहला जीएस 1 है, दूसरा है जीएस 2। ठीक है, तीसरा है जीएस 3, चौथा है जीएस 4। ठीक है, पांचवा है एसए का, और छठा है हिंदी निबंध लेखन। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहला जो पेपर है ये है 300 नंबर का, और 3 घंटे का पेपर होता है ये। ठीक है, दूसरा पेपर भी 3 घंटे का है और 300 नंबर का पेपर है। तीसरा पेपर भी 3 घंटे का है और 300 नंबर का पेपर है। लेकिन चौथा पेपर जो है वो 3 घंटे का तो है लेकिन 200 नंबर का पेपर है। और पांचवा पेपर जो है हिंदी का है, ये भी 200 नंबर का है, इसके मार्क्स भी काउंट होते हैं। और छठा पेपर है हिंदी निबंध लेखन, मतलब आपको निबंध जो लिखना है वो हिंदी में लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज़ बताते हैं कि सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट पार्ट है, सामान्य अध्ययन जिसको वन बोलते हैं या जीएस वन बोलते हैं, इस जीएस वन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट डेडिकेट होता है हिस्ट्री के लिए और दूसरा पार्ट होता है ज्योग्राफी के लिए। एक पार्ट होता है हिस्ट्री और दूसरा पार्ट होता है ज्योग्राफी के लिए। इन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के दोनों पार्टों से मिलकर बनता है पेपर वन। दूसरे पार्ट की यदि बात करें, जीएस पेपर टू की यदि बात करें, तो जीएस पेपर टू में बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है वो है सोशल इशूज का। सोशल इशूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल इशूज और गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरा पार्ट जो है सोशल इशूज और गवर्नेंस का है, लेकिन पहला पार्ट है पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है पेपर टू। जीएस के पेपर थ्री की यदि बात करें तो जीएस पेपर थ्री दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक पार्ट होता है, प्लस इसके साथ में दूसरा पार्ट होता है इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स का पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसको हम ब्रीफली करेंगे, अच्छे से करेंगे। फिर होता है जीएस पेपर फोर। जीएस पेपर फोर में कई केस स्टडीज होती हैं कि यदि आप आईएएस एसडीएम बने तो क्या करेंगे, या किसी भी कंडीशन किसी भी पोस्ट पे हैं तो आप कैसे करेंगे, सिचुएशन दे दी जाती है, उस सिचुएशन को आपको सॉल्व करना होता है।
और दूसरा पॉइंट होता है, इसे फिलोसफर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो फेमस फिलोसफर्स होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, उसकी फिलोसफीज के बारे में पूछ ले आते हैं, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया GS4। पांचवा पेपर सामान्य हिंदी का पेपर होता है, तो हिंदी का जो इन्फॉर्मेशन है, हिंदी के व्याकरण हैं और हिंदी के जो जो निबंध लेखन है या हिंदी में जो कंप्रिहेंशन पैसेज होते हैं, वो चीज़ आपको उसमें एग्जाम में पूछ जाती है। ट्रांसलेट करने के लिए भी, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए पूछा जाता है इस पेपर में। और ये अंतिम पेपर, छठा पेपर, ये है निबंध का। इंग्लिश मीडियम के जो हमारे दोस्त हैं वो याद रखें कि निबंध हमेशा हिंदी में लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब ये कि आपकी हिंदी ठीक ठाक होनी चाहिए, इसका मतलब ये कि आपको हिंदी में प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आपको MBBS फाइनली आपको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये है सारे मार्क्स आपको दिखा दिए हमने, 300 नंबर, 300 नंबर, 300 नंबर, फिर 200, 200 और 100 नंबर। जो इंटरव्यू है उसके मार्क्स हैं 175, और टोटल सब जोड़ दें तो हो जाते हैं 1575। तो फाइनली 1575 नंबर में जितनी आपके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपकी रैंक लगेगी। तो ये देखिए सारे जो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। एक चीज़ और बता दें इसमें, हर एक पेपर में जब दो पार्ट होते हैं, पेपर वन हो, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, पेपर फोर में दो पार्ट नहीं होते, पेपर थ्री तक दो पार्ट होते हैं। तो पेपर थ्री तक जो दो पार्ट होते हैं उसमें आपको एक चीज बताएं कि इसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक 3 नंबर के, दूसरा 6 नंबर के और तीसरा 15 नंबर के। ये तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं MPPSC में, 3 नंबर, 6 नंबर और 15 नंबर के। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखना होता है लगभग 30 वर्ड्स, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखना होता है लगभग 100 वर्ड्स और 15 नंबर क्वेश्चन लिखना होता है लगभग 300 वर्ड्स। 3 नंबर क्वेश्चन में कितना लिखना होता है? 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स। 6 नंबर क्वेश्चन लिखना होता है लगभग 100 वर्ड्स, मतलब एक पेज आपको फिल करना होता है, ठीक है। और जो 15 नंबर क्वेश्चन है वहां पे लिखना होता है 300 वर्ड्स, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, कहाँ से कैसे पढ़ाई करना चाहिए आपको। तो देखिए, जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो पहले आप सिलेबस से फोकस करके रखें। आइए देखते हैं सिलेबस। ये है आपके सामने सिलेबस पेपर वन का, पेपर वन का सिलेबस आप देख सकते हैं। और इसमें डिस्कस किया है इतिहास को, इतिहास एवं संस्कृति, जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट करता है सिलेबस। वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट होता है जिसमें सारी चीजें, पुनर्जागरण, इंग्लैंड की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, रूसी क्रांति, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध है, फिर बात करता है भारतीय इतिहास के बारे में, ठीक है। उसके बाद मुगल और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृत का उद्भव, ये सारी चीजें बात होती है। तो ये है इतिहास का सिलेबस। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है भूगोल का सिलेबस। भूगोल मतलब जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भारत एवं विश्व भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, तो भारत की तो है इंडियन ज्योग्राफी है, और साथ में विश्व भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मध्य प्रदेश से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थित है, मध्य प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र है, उद्योग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से काफी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मृदा मतलब जो आपकी सॉयल है, सॉयल सिस्टम है, वहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपदा प्रबंधन, ये सारी चीजों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपदा प्रबंधन याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं पेपर वन में। याद रखिएगा पेपर वन में बेसिकली दो पार्ट हैं, एक तो हिस्ट्री का और दूसरा ज्योग्राफी का। कुछ केस स्टडीज भी पूछे हैं, जैसे चेरनोबिल परमाणु संयंत्र त्रासदी 1986, भोपाल गैस त्रासदी 1994, कच्छ भूकंप 2001, भारतीय सुनामी 2004, फुकुशिमा डाइची जापान परमाणु आपदा 2011, उत्तराखंड बाढ़ 2013, उज्जैन त्रासदी 1994, इलाहाबाद कुंभ की भगदड़ 2013 एवं जम्मू कश्मीर की बाढ़ 2014 आदि का अध्ययन ये भी करना है आपको। तो केस स्टडीज भी हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये सिलेबस हुआ पेपर वन का। दूसरा पेपर जो है बेसिकली संविधान पे फोकस्ड है, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस्ड है, और शासन की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, तो एक प्रकार से कुल मिला के बात करें पॉलिटी की बात करता है। तो पॉलिटी में जो डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर होती हैं इसमें, पॉलिटी में सारा पॉलिटी इसमें कवर कर लिया जाता है, निर्वाचन आयोग वगैरह सब कुछ कवर कर लिया जाता है। दूसरी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, देखिए इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है इसमें, इंटरनल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंटरनल सिक्योरिटी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा, आपको कैसे पढ़ना है आई विल टेल यू। सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान, तो ये गवर्नेंस से कुछ क्वेश्चन है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अधिनियम एक्ट हैं इनके बारे में हम बात करेंगे ब्रीफ में, ठीक है। सामाजिक क्षेत्रों की बात करें तो सोशल इशूज की बात हो जाती है, जिसमें कुपोषण है, जनमृत्यु समंक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे, शिक्षण प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो एक प्रकार से एक एक पार्ट हो गया पॉलिटी का, दूसरा पार्ट हो गया सोशल इशूज का। सोशल इशूज में सारी चीज़ें आ रही हैं, लोक सेवाएं, लोक व्यय एवं लेखा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो आते हैं पेपर टू में, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पेपर टू में आता है, वी विल टॉक अबाउट दैट। अभी फिलहाल हमारा मेन फोकस रहेगा पेपर थ्री में।
3 मैं इसे पढ़ाऊंगा, पेपर 3 से मैं अपने एमपीपीएससी की तैयारी आपको कराना स्टार्ट करूंगा। पेपर 3 बेसिकली दो पार्ट हैं, एक तो विज्ञान एवं तकनीकी है और दूसरा पार्ट है विज्ञान एवं तकनीकी जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और दूसरा पार्ट है इकोनॉमिक्स का। तो विज्ञान और तकनीकी यदि बात करें तो इसमें बेसिकली कई पार्ट हैं, एक तो विज्ञान का पार्ट है, तो विज्ञान में तीनों चीज़ें आती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, बायोलॉजी बोल सकते हैं उसको आप। और जो दूसरा पार्ट है वो है तर्क एवं आंकड़ों की संख्या, मतलब ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, मतलब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जो मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह है वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तीसरा पार्ट है तकनीक का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है तकनीकी का, ये है टेक्नोलॉजी का पार्ट। और हम अभी डिस्कस करेंगे, हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट होगा इसी पार्ट से स्टार्ट करेंगे हम, तकनीकी से जो बेसिक स्टडी आपको कराएंगे। तकनीकी में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ बताएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, वो सब बात करेंगे। तो तकनीकी हमारा मेन फोकस रहेगा। और दूसरा अगला पार्ट है 4.1 विकासशील तकनीकी, मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दोनों ही पार्ट हम कवर करेंगे फिलहाल अभी, और उसके बाद में तकरीबन 10 से 12 दिन हम तकनीकी और विकासशील तकनीकी, मतलब टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे बाकी पार्ट में। फिर उसके बाद पार्ट आता है ऊर्जा, मतलब एनर्जी। एनर्जी में दोनों ही प्रकार की एनर्जी जाती है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, बाकी जो ऊर्जा प्रबंधन है वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। पर्यावरण एवं धारणी विकास, मतलब इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट जो है उसके बारे में बात करेंगे, ये है छठा पार्ट। तो ये सारे पार्ट हैं हम डिस्कस करेंगे। सातवां पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि पेपर के हिसाब से देखा है तो पेपर 3 में थर्ड सेकेंड पार्ट है। पेपर 3 का सेकेंड पार्ट ये अकेले इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ डिस्कस करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, जैसे भारत में विकास का अनुभव, मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण, 1991 के बाद से हुआ आर्थिक सुधार, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस पेपर 3 के पार्ट 2 में। इकोनॉमी जो है पेपर 3 का पार्ट 2 कवर करेगा, वी विल टॉक अबाउट दैट। चौथा पार्ट है सामान्य अध्ययन पेपर 4, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे बोलते हैं एथिक्स। और एथिक्स में जितने भी मानवीय आवश्यकताएं हैं, जो ह्यूमन जो नीड्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दार्शनिक विचारक जो हैं, और इनका नाम भी लिखा है, और ये सारे तो पढ़ने ही आपको, महावीर, बुद्ध, कौटिल्य हो गए, प्लेटो, अरस्तु, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, ये सारे केस हैं और सबके बारे में पढ़ेंगे, जिनके जिनके भी नाम लिखे हैं यहाँ पे एटलीस्ट उनको तो पढ़ना ही है। मनोवृत्ति है, अभिक्षमता है, संवेगिक वृद्धि है, बुद्धि है, भ्रष्टाचार है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। विसल ब्लोअर्स है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित प्रकरणों पर का अध्ययन, प्रकरणों जो है जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं उनकी भी स्टडी करेंगे। तो ये बात करेंगे हम पेपर 4 में। पांचवें पेपर की बात करें तो पांचवा पेपर बेसिकली सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, और इसमें सामान्य हिंदी में जो भी सिलेबस में है, जैसे पल्लवन, संधि व समास है, तो संधि व समास हम पढ़ेंगे, संक्षेपण पढ़ेंगे, प्रारूप लेखन पढ़ेंगे, प्रयोग शब्दावली, प्रारंभिक व्याकरण पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द वगैरह, तत्सम तद्भव है, विलोम शब्द समानार्थी है, मुहावरे कहावते हैं, ये सारी शब्द युग में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अनुवाद कैसे करना चाहिए ये भी हम पढ़ेंगे, आई विल टॉक अबाउट दैट। और ये है आज का अंतिम पेपर, छठा प्रश्न पेपर है, जिसको बोलते हैं हिंदी निबंध लेखन। हिंदी निबंध लेखन में बेसिकली 3 निबंध आते हैं, एक आता है 1000 शब्द का, 50 नंबर का, और दूसरा है 200 शब्द का, जो कि 25 नंबर का होता है, और तीसरा है 250 शब्द का, जो है 25 नंबर का, कुल मिला के 100 नंबर का निबंध लेखन आता है, और ये निबंध आपको हिंदी में लिखना होता है। तो ये आज के सिलेबस के बारे में हमने बात की, ये इंग्लिश का सिलेबस है। यदि आपको ये सिलेबस नहीं मिलता मार्केट में तो आप, मैं बताता हूँ, learnservices.org में जाएंगे, उसमें MPPSC का जो MPPSC के ब्लॉक में जाएंगे, या तो आप लिखें learnservices.org/MPPSC, लिखिए, मैं बताता हूँ, learnservices.org और स्लैश में लिखें MPPSC, तो आप हमारे उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे सिलेबस लिखा हुआ है, और सिलेबस आप डाउनलोड कर लेंगे वहां से। तो ये जो सिलेबस है इसको आप जरूर देखें, इसको अपने पास प्रिंट आउट करके रख लें, या तो अपने हाथ से लिख लें, जिस पार्ट को आप स्टडी कर रहे हैं उस पार्ट के सिलेबस को आप लिख लें, अच्छे से लिख लें, और उसको बार बार देखें। और देखिए, जब भी आपको कोई भी चीज़ करना होता है तो डेफिनेटली आपको एक रोड मैप बनानी होती है। रोड मैप कैसे आप बनाएं, कैसे तैयारी अपनी शुरू करें, आई विल टॉक अबाउट दैट। बट बिफोर देन दैट, आपको सिलेबस का एक जनरल आइडिया बताना जरूरी था, जिससे कि आपको पता चले कि प्रिपरेशन कैसे करना है। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखिए, हमारा जो डिस्कशन है, हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेगा जनरल स्टडीज पेपर 3 से। पेपर 3 से हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, और पेपर 3 में फिलहाल हम पढ़ाएंगे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का। ये दोनों ही पार्ट साथ ही पढ़ाए जाएंगे, इसलिए यदि आप उसका टाइम हम डिसाइड कर देंगे, टाइम हम बता देंगे, उस पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे वो वीडियो अपलोड किए जाएंगे, और मैं उस समय आपके साथ अवेलेबल ही रहूँगा, साथ में वीडियो आपका देखेंगे, हम साथ में वीडियो देखेंगे, और जो भी डिस्कशन कन्फ्यूजन है आपके माइंड में वो आप हमसे लाइव पूछ सकते हैं। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, और दूसरा पार्ट है
इकोनॉमिक्स का, ये दोनों ही पार्ट हम डिस्कस करेंगे, बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे और आपको बिल्कुल अंत तक लेकर जाएंगे। तो दीज आर द पार्ट्स। तो आपको वीडियो में यदि कोई कन्फ्यूजन है, और फिलहाल हम अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, एक फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे, और कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें। तो हमारा जो कल का स्टडी टॉपिक होगा वो होगा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में अप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। हालांकि इस पर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और उस पर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी आता है, चूंकि एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एमपीपीएससी के मेन्स में, हम ये भी क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे उसको फॉर्मेट बनाना है, आई विल टॉक अबाउट दैट। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी जो है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इन द डिफेंस सेक्टर है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इन द स्पेस सेक्टर है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इन द एनर्जी सेक्टर है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कहाँ कहाँ से हमें टेक्नोलॉजी मंगाई उसके बारे में बात करेंगे। डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी उसके बारे में बात करें, कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं। पेटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और तीसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो साइंटिस्ट हमारे उनका कंट्रीब्यूशन तो पढ़ेंगे ही, जो एंशियंट और मेडिवल साइंटिस्ट हमारे रहे हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी हमें पढ़ना ही है, रिमोट सेंसिंग है, स्पेस है, जीआईएस है, जीपीएस है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, देयर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर है, ये पढ़ेंगे। हेल्थ पढ़ेंगे, ई गवर्नेंस, ट्रांसपोर्ट, स्पेशल प्लानिंग, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जहां जहां हो सकता है वहां वहां पढ़ेंगे, जो जो इसमें सिलेबस दिया है। आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो ये टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कंप्लीट करने में तकरीबन तकरीबन मैं लूंगा आपसे 15 दिन, और 15 दिन में आपका टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पोर्शन मैं कंप्लीट करा दूंगा। हो सकता है 15 दिन का बढ़ के 17-18 दिन भी हो सकता है, लेकिन आप इसमें कन्फ्यूजन ना रहें कि खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके काफ़ी यूजफुल होगा, मेंस की प्रिपरेशन में हो या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, दोनों ही प्रिपरेशन में काफ़ी यूजफुल होगा। तो आइए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आपके अंदर जो भी क्वेरीज हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर, बाय बाय एंड टेक केयर।